हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको टाटा एस गोल्ड VS6 डीजल गाड़ी है ये। इसका प्राइस और कितना माइलेज है, स्पेसिफिकेशन पूरा बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले मैंने बात करता हूँ इसका जो ढाला देता है पीछे, वो उसका साइज़ क्या रहता है, इसमें लोड कितना कर सकते हैं आप, ठीक है, कितना लोड का पासिंग होता है, और उसके बाद इसका प्राइस क्या है। ये चार पांच टॉपिक में ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों, इसका जो ढाला होता है वो 7.5 फुट या 7 फुट 2 इंच बोल सकते हैं, इतना लंबा रहता है। और उसके बाद जो चौड़ाई होती है वो 4.9 इंच रहती है, ठीक है। तो आप इसका ढाला समझ गए होंगे, और इसमें आप कितना लोड कर सकते हैं ये मैं बता दूँ आपको। इसमें 640 किलोग्राम, ओके, 6 कुंटल 40 किलो लोड कर सकते हैं, इतना इसका पासिंग होता है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके अंदर स्टेरिंग की। ये स्टेरिंग पावर स्टेरिंग नहीं रहता दोस्तों, नॉर्मल रहता है। जैसे इंट्रा में पावर स्टेरिंग दिया हुआ है, इसमें पावर स्टेरिंग नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका प्राइस कम है। और बहुत सारा बात, ये 2 सिलेंडर की गाड़ी है, 700 cc DI, और इसका चेसिस नंबर दोस्तों, चेसिस नंबर जानते हैं, 46900 चालू होता है, ओके। और उसके बाद बात करते हैं इसका प्राइस, आप देख ही रहे स्क्रीन पे, मैंने लिख दिया है, ये 5,34,000 से चालू होता है ऑन रोड प्राइस है इसका, किधर 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा कम, 45 या 60 तक बढ़ जाएगा, ओके दोस्तों। और उसके बाद इसका आपने, और मैं बात करता हूँ इसका माइलेज। ये दोस्तों अगर आप सिटी मोड में चलते हैं, इको मोड ड्राइव करके, इको मोड सेट करके, तो आपको 15 से 16 का एवरेज मिलेगा, ठीक है। और मैं एक दो पॉइंट डिस्कस करता हूँ। तो आपने ये जान लिया होगा ये कितने का माइलेज देगा और इसका प्राइस क्या है, और उसके बाद इसका ढाला में कितना लोड कर सकते हैं आप, और इसका ढाला का लंबाई चौड़ाई कितना है। क्योंकि जो भी गाड़ी लेता है वो सोचता है कि मेरा इनकम जो कितना ज़्यादा हो, कि मैं कितना ज़्यादा लोड कर सकता हूँ इसमें, और इसका कितने टन का पासिंग होता है, कितने कुंटल का पासिंग होता है, ओके, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे। और उसके बाद इसका अंदर केबिन का सेम रहता है जैसा VS4 में दिया हुआ है, और इसका क्लस्टर डिजिटल दे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, डिजिटल क्लस्टर दे दिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, डिजिटल क्लस्टर दे दिया हुआ है, और इसमें रीजनरेशन का बटन दे दिया है एक, और एक इको मोड जो सिटी मोड में चलने के लिए आपको दिया है, जैसे आपका बेटर एवरेज मिल सके। इको बटन का मेन उद्देश्य यही है, आपको बेटर एवरेज मिले। रीजनरेशन क्या है दोस्तों, कि जब भी आपका सूट मास वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बटन दबा के आप रीजनरेशन कर सकते हैं, जैसे आपकी गाड़ी का पिकअप वगैरह सब मेंटेन रहे, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको टाटा एस गोल्ड का समझ में आओगे, प्राइस माइलेज पूरा फुल रिव्यू समझ में आओगे, आशा करता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। AS ऑटोमोबाइल, अमित उपाध्याय। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।